गाइस, टाइम ट्रैवल आपके सर का दर्द किस तरह बन सकता है यह हमें एवेंजर्स एंड गेम देखकर पता चल ही गया, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने एंड गेम हिंदी में देखी थी। पर हिंदी डबिंग को छोड़कर अगर हम इंग्लिश वर्जन में भी देखें तो मूवी में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट लगभग 2.5 घंटे तक तो ठीक था, पर जैसे ही एंड में कैप्टन अमेरिका भूड़े होकर वापस आए तब उस कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ गई। पहले बहुत से लोग ऐसा ही सोच रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। पर शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि एंड गेम में टाइम ट्रैवल की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देर के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हॉलीवुड की लगभग हर टाइम ट्रैवल मूवी में अगर कैरेक्टर पास्ट में जाकर कुछ चेंज करे तो उसका सीधा इफेक्ट फ्यूचर पर पड़ता है, और ऐसा ही कुछ रोडी यानी वॉर मशीन ने भी सजेस्ट किया था कि क्यों ना बेबी थैनोस को ही मार दिया जाए, जिससे वो कभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करेगा नहीं और स्नैप भी नहीं हो पाएगी। वेल, अगर ऐसा होता तो लोगों को तो ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती, पर हाँ, इस तरह से थैनोस को पास्ट में ही मारने के चक्कर में फ्यूचर की बैंड बच जाती। क्या पता बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से थैनोस की जगह गैलेक्टस होता। मतलब अगर एंड गेम में भी स्टैंडर्ड टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो तो फ्यूचर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। पर अगर हम ब्रूस यानी प्रोफेसर हल की बात माने तो एंड गेम में टाइम ट्रैवल इस तरह से काम नहीं करता। उसके अकॉर्डिंग अगर पास्ट में कुछ चेंज किया जाए तो उससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी और उनका फ्यूचर वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। मतलब उनकी अपनी ओरिजिनल रियलिटी में थैनोस फिर भी नहीं मरता, और यही बात एंशिएंट वन ने भी कही थी। उन्होंने ब्रूस को कहा था कि अगर एक भी इन्फिनिटी स्टोन्स अपने एग्जैक्ट टाइम से हट जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो टाइम का फ्लो बिगड़ जाएगा, जिससे एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसमें वो स्टोन होगा ही नहीं, और वो रियलिटी ओरिजिनल रियलिटी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ब्रूस को एक और बात कही थी कि अगर एक भी स्टोन अपनी जगह से हटा तो वो नई क्रिएटेड रियलिटी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। लाइक अगर डोरमामू को हराने से पहले ही कोई फ्यूचर से आकर टाइम स्टोन को ले जाए तो उस नई बनी रियलिटी में डॉक्टर स्ट्रेंज को कभी टाइम स्टोन मिलेगा ही नहीं, जिससे डोरमामू जीत जाएगा और वो रियलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से उस रियलिटी में एवेंजर्स एंड गेम तक पहुंचेंगे ही नहीं। और यही बात एंशिएंट वन ने ब्रूस को समझाना चाही थी कि अगर वो टाइम स्टोन को उसे दे देती है तो वो उसकी यानी ब्रूस की ओरिजिनल रियलिटी के लिए तो अच्छा है, बट जो नई रियलिटी क्रिएट होगी उसमें डार्क फोर्सेज यानी डोरमामू जीत जाएगा। पर ब्रूस ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। उसने कहा कि अगर वो उनका काम खत्म होने पर उसी एग्जैक्ट टाइम में वापस सभी स्टोन्स को रख दें तो वो रियलिटीज कभी क्रिएट होंगी ही नहीं, और यही कॉन्सेप्ट हमें पूरी मूवी में दिखा। थैनोस की स्नैप से उड़े लोगों को वापस लाने के बाद और 2014 के थैनोस को हराने के बाद कैप्टन अमेरिका ने सभी स्टोन्स को अपनी अपनी जगह उसी एग्जैक्ट टाइम में रख दिया जहां से उन्होंने स्टोन्स को लिया था। बट फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, कैप्टन स्टोन्स को अपने अपने टाइम में रखने के बाद कभी वापस ही नहीं आए, और जब वो दोबारा दिखे तो वो बूढ़े हो चुके थे। हालांकि कैप्टन का बूढ़ा होना अजीब नहीं था, बट अजीब बात ये थी कि पास्ट में पैगी से शादी कर उन्होंने खुद टाइमलाइन को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से एक ही टाइम में दो कैप्टन अमेरिका थे, एक जो बर्फ में दफन था और दूसरा जो पैगी के साथ था। और ये सब कुछ एमसीयू की ओरिजिनल टाइमलाइन से तो बिल्कुल अलग है। और अगर कैप्टन के ऐसा करने की वजह से दो रियलिटीज क्रिएट हो भी गई तो फिर कैप्टन बूढ़े होने के बाद बिना टाइम ट्रैवल किए ओरिजिनल रियलिटी में एवेंजर्स से कैसे मिले, क्योंकि उन्होंने ना तो क्वांटम सूट पहना था ना ही वो हल्के टाइम मशीन के बटन दबाने पर एग्जैक्टली उसी जगह पर सामने आए जहां से वो गए थे। तो फिर ऐसा होने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तो कैप्टन ने खुद एक दूसरी टाइम मशीन से टाइम ट्रैवल किया हो जो उनकी अल्टरनेट रियलिटी में होगी, जो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है क्योंकि मार्वल स्टूडियोज इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट नहीं बनाएंगे। और दूसरा कि आज तक जितने भी हम मार्वल मूवीज देख चुके हैं उनमें हमेशा से ही दो कैप्टन थे, जो बात हमसे बस हाइड की गई थी। मतलब हम हमेशा से ही दूसरी टाइमलाइन की मूवीज देख रहे थे और वही अब एमसीयू की ओरिजिनल रियलिटी है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आज तक हमें किसी भी मार्वल मूवी में ये तो बताया नहीं गया कि पैगी का हस्बैंड था कौन, और ऊपर से जब पैगी ने हॉस्पिटल में ये लाइन कही थी तो ये तो बिल्कुल एक ईस्टर एग की तरह लगती है, जो सुजेस्ट करती है कि पैगी एक तरह से बता रही है कि जस्ट मूव ऑन स्टीव, फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा। और रही बात पैगी के दोबारा बोलने की कि स्टीव तुम जिंदा हो, तो ये जस्ट एक बीमारी हो सकती है जिनमें पैगी अपनी और कैप्टन अमेरिका की एक साथ बिताई उन मेमोरीज को भूल जाती हो। और इसके साथ जब हमें पैगी की फैमिली की फोटोग्राफ्स दिखाई गई थी तो उसमें भी उसके हस्बैंड को शो नहीं किया गया था। इसके अलावा पैगी ने एक और सीन में ऐसा कहा था, He saved over 1,000 men, including the man who would become my husband, as it turned out.
तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पैगी ने कहा कि कैप्टन ने उस दिन बहुत से लोगों को बचाया था जिसमें उसका हस्बैंड भी शामिल था। सो कैप्टन भी एक तरह से उन्हीं लोगों में से थे, तो शायद पैगी उस टाइम कैप्टन को ही अपना हस्बैंड बोल रही हो। सो ये सारी बातें काफी हद तक पॉसिबल बनाती हैं कि मेन रियलिटी में हमेशा से ही दो कैप्टन अमेरिका थे, जिस बात को बस कैप्टन ने छुपाए रखा क्योंकि इतना लड़ने के बाद वो बस अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते थे। इवन इसके बाद पैगी ने एक और लाइन कही थी, तो शायद पैगी ने भी इस बात को छुपाए रखा क्योंकि कैप्टन ने उन्हें सब बता दिया होगा। अब गाइज मुझे नहीं पता आप इस बारे में क्या सोचते हैं, बट सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन कैप्टन के बिना टाइम ट्रैवल किए बूढ़े होकर एवेंजर्स से मिलने की बात को जस्टिफाई करती है। और रही बात उनकी शील्ड की कि उनके पास एक और शील्ड कैसे आई, तो इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी जा सकती हैं पर एग्जैक्ट आंसर नहीं। सो इस क्वेश्चन को किसी और वीडियो के लिए छोड़ते हैं। अब गाइज आपके मन में एंड गेम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जरूर होंगे तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सुपर हीरो कॉमिक्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो फॉलो जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।